Sanjana's Cooking. चिकन लॉलीपॉप एक बहुत ही फेमस इंडियन डिश है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वेजिटेरियंस क्या करें। तो हमने सोचा क्यों ना वेजिटेरियंस के लिए वही लॉलीपॉप का स्वाद और विदाउट चिकन लेके आते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं कॉलीफ्लावर लॉलीपॉप, यानी कि गोभी के लॉलीपॉप। इसके लिए क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो गोभी चाहिए हमको। डीप फ्राई होती है लॉलीपॉप, तो ऑयल चाहिए डीप फ्राई के लिए। ये कॉर्न स्टार्च है मेरे पास, बारीक कटे हुए लहसुन है, ये कलर है ऑप्शनल है, चूंकि लॉलीपॉप की फील देनी है, लाल लाल रंग होता है इसलिए हमने कलर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। सोया सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, सिजवान सॉस है, काली मिर्च है, नमक है, बारीक कटा हुआ अदरक है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो कॉलीफ्लावर है इसको हमको लॉलीपॉप के शेप में कट करना है, यानी कि ये डंठल से इसको हल्का सा ऐसे काट कर, और जिस साइज के आपको लॉलीपॉप चाहिए उस साइज का थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखना है इसको। इस तरह से हम सारे ये जो कॉलीफ्लावर्स हैं इनको कट कर लेंगे। ये गोभी को हमने लॉलीपॉप की शेप में काट लिया है। अब जनरली जो लॉलीपॉप होते हैं उसको बैटर में हम डिप करते हैं, गोभी को नॉर्मली गोभी को डिप करके और फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अंदर से गोभी काफ़ी फीकी फीकी लगती है, तो हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे ताकि लॉलीपॉप का प्रॉपर फ्लेवर बाहर से तो आएगा ही आएगा, अंदर से भी आए। तो इसमें सबसे पहले हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी भी हम सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं सब में नमक होता है, इसलिए नमक काफ़ी कम डालें। साथ ही डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच के लगभग सोया सॉस। एक बार इसको टॉस कर लें ताकि सारी गोभी में मिक्स हो जाए ये। और अब हम इसमें डालेंगे सिजवान सॉस। यह वही सिजवान सॉस है जो हमने एक एपिसोड में आपको बनानी सिखाई थी, तो वो एपिसोड देखकर घर पे ही सेजवान सॉस बनाए। वो भी हमने मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो ग्रीन चिली सॉस है, ये सब आधा चम्मच के लगभग डालना है, या जितनी आपकी गोभी है उस हिसाब से डालना है। बहुत ज्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बैटर में अच्छी तरह से पकड़ेगा नहीं, बस एक कोटिंग आ जाए सारी सॉसेस की, अदरक की, लहसुन की, वो फ्लेवर आ जाना चाहिए। तो जब तक हमारी गोभी मैरिनेट हो रही है हम बैटर तैयार कर लेंगे जिसमें डिप करके इसको फ्राई करना है। लेकिन बैटर तैयार करने से पहले मैं ये तेल डाल देता हूँ डीप फ्राई करने के लिए। ये तेल हमने रख दिया है, गर्म हो रहा है तेल, जब तक तब तक हम बनाएंगे बैटर। और बैटर बनाने के लिए कॉर्न स्टार्च, और कॉर्न स्टार्च में भी हम डालेंगे ये बारीक कटा हुआ थोड़ा अदरक, थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ में नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, साथ में डालेंगे हम सिजवान सॉस, और एक चम्मच ही ये ग्रीन चिली सॉस। और इसके साथ ये जो हमने कलर ऑप्शनल रखा था ये कलर भी डाल देंगे। और अब इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी डालते हुए मिक्स करना है। पानी ध्यान से रखें, बैटर बहुत थिन नहीं होना चाहिए नहीं तो गोभी पकड़ेगी नहीं। और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब ये गोभी को उठाकर जो नीचे लिक्विड है, जो सॉसेजेस हैं, उसमें अच्छी तरह से एक बार डिप करना है। और डिप करने के बाद बैटर में आप घुमा लें अच्छी तरह से, बैटर चारों तरफ से लग जाना चाहिए। और उसके बाद सीधा यहां से निकालें और ऑयल के अंदर डालें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और ये भी गया तेल के अंदर, और जो हमारे लॉलीपॉप तैयार हो गए हैं उनको हल्का सा पलट के चारों तरफ से बराबर से सेकना है। इसको थोड़ा सा चलाते हुए, बहुत ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि गोभी क्रंची ही अच्छी लगती है। चलिए, जो लॉलीपॉप हमने सबसे पहले डाला था वो एकदम पक चुका है, तो उसको निकाल लेते हैं।
और इसी तरह से बाकी के लॉलीपॉप भी जो जो तैयार होते जा रहे हैं निकाल लेंगे और इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे सिजवान सॉस के साथ। तो तैयार है आपके गोभी लॉलीपॉप, जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।